अगर ये ना होते तो ये ना होता, अगर ये ना होता तो ये ना होते। गोया अल्लाह वालों का वजूद जब जमीन पर रहता है तब भी उनका करम बरसता है, जब जमीन में रहता है तब भी उनका करम, उनका करम कभी बंद नहीं होता। ये अल्लाह वाले सूरज होते हैं, सूरज, सूरज फना नहीं होता, सूरज मिटता नहीं है। हिंदुस्तान में डूबता है तो अमेरिका में निकलता है, अमेरिका में डूबता है तो हिंदुस्तान में निकलता है। सूरज किसी वक्त छुपता नहीं है, वो कहीं ना कहीं मुनव्वर करता रहता है। अभी हिंदुस्तान में तारीकी है, अमेरिका को वो रोशन कर रहा है, जब वहाँ तारीकी होगी यहाँ रोशन। लेकिन ये विलायत के सूरज ये है, जहाँ रहे वहाँ रोशन, जाहिर को भी रोशन करते हैं, दिल को भी रोशन। लेकिन पहले दिल को साफ रखना होगा, तब दिल को साफ रखना होगा तब। ये आदमी नफासत पसंद होता, हम और आप खुद होते। अगर हमें और आपको बुलाकर बस यूं ही फर्श बिछा दिया जाता, कहा बैठिए, तो अच्छी तबीयत का आदमी, अरे इंतजाम कैसे किया, इतना बड़ा किया बैठने का नहीं। नफीस, चूंकि इंसान, इंसान की तबीयत में नफासत, वो जो खसासत और वो गलाजत जो होती है वो उसकी अंदरूनी खराबी है। वर नहीं तो तबीयत के एतबार से तो इंसान हर अच्छी चीज को ही चाहता है। वो हवस, वो ख्वाहिश, वो ख्वाहिश नफ्स होती है कि जिसकी चाहत का दायरा इतना लंबा होता है, अच्छी है उसको भी ले लो, अपनी है उसको भी ले लो, दूसरों की है उसको भी ले लो, इधर भी लो उधर भी लो, जिधर मौका मिले उधर हाथ मारो, ये ख्वाहिश नफ्स का हुक्म होता है। लेकिन दिल तो यही कहता है तुम्हारे लिए वही लेना है जिसका लेना जायज। तो दिल भी उस लायक हमारा होना चाहिए कि हम फैजाने औलिया को ले सकें। अब अगर यहाँ आकर हमें नहीं मिल रहा है सपोर्ट है, हालांकि मिलता तो है, अरे यही क्या कम मिल रहा है उनके करीब में बैठने का मौका। अगर ये
अगर ये सालाना महफिल ना होती तो आप यहाँ खामोश होके नहीं बैठे। तो ये उनके करीब में बैठने का मौका, ये भी बहुत बड़ा फायदा है। उसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। अरे कुछ नहीं तो अगर इंसान चुप भी रहता है, चुप रहना भी बहुत बड़ी सलामती है। क्योंकि आज सारा वबाल इसी बकने से, सारा वबाल इसी जबान से है जी। यही जबान भात भी खिलाती है, लाद भी खिलाती है। इसी जबान की वजह से इंसान की इज्जत भी की जाती है, और इसी जबान की वजह से इंसान जलील खार भी होता है, इंसान जलील खार भी होता है। तो अगर इंसान थोड़ी देर यहाँ आकर खामोश ही रह गया, तो कम से कम उतनी देर तो उसकी जबान महफूज रह गई, उतनी देर तो उसकी जबान की हिफाजत हो गई। अल्लाह वालों के जिक्र का फायदा यह हुआ करता है कि चाहे आदमी जैसा हो, जब उनकी सोबत और मजलिस में आ जाता है तो उसकी जबान पर ताला लग जाया करता है, बुराई बोलने से, बेहयाई बोलने से। अब अगर बोलेगा तो सुभान अल्लाह, बोलेगा बोलेगा तो माशाल्लाह। यकीनन ये अल्लाह वालों की याद हमारे लिए, आपके लिए जरूरी, इनके लिए कोई जरूरी नहीं। अगर हम इन्हें याद ना भी करें तो ये कौन है? अल्लाह वाले। अरे जो अल्लाह वाला होगा प्यारे, उन्हें इधर वाले की, इधर वाले की, उधर वाले की जरूरत क्या है? वो तो अल्लाह वाले हैं। हाँ, इनकी जरूरत इधर वालों को भी है, 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 इनकी जरूरत सबको है। हाँ, जरूरतमंदों जब जाओ तो अपने दिल के दरेजे को खोल कर आओ, दिल की गंदगी को दूर करके आओ, उसे साफ और मजक्का कर। और नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है इमाम साहब, अच्छे लोगों के साथ रहने के बावजूद आदमी अच्छा नहीं हो सकता। एक आदमी हूँ, बहुत अच्छी बीज खरीद के लाया, अब रबी की फसल का मौसम शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी बीज खरीद कर लाया, अब उसे जाकर बंजर जमीन में डाल दे तो क्या पौधे निकलेंगे? बीज तो बड़ी अच्छी थी। का बीज अच्छी थी, जमीन अच्छी नहीं थी। क्या जमीन अच्छी नहीं थी तो बीज भी अच्छी चाहिए, जमीन भी अच्छी चाहिए, और डाल के इत्मीनान से बैठ नहीं जाना है, देखभाल भी करना है, खाद भी डालना है, सिंचाई भी करना है, घास अगर बढ़ जाए तो उसे निकालना भी है। मेरे प्यारे, अगर हम चाहते हैं हमारी आने वाली नस्लें अच्छी हो तो बाप को भी अच्छा होना होगा, माँ को भी अच्छा होना होगा। जब दोनों अच्छे होंगे और अपने बच्चों की निगरानी करेंगे, तभी वो बच्चा दुनियावी एतबार से भी कामयाब होगा, दीनी एतबार से। कोई ऊपर से कुछ बन के नहीं आता है, नबी ही जो बन के आता है, नबी ही वो और रसूल ही वो सिंह है जो अपनी मेहनत से नहीं बनता, जो मशक्कत से नहीं बनता, जो अपनी तलब से नहीं बनता जी। बाकी और जो है उसे बनने के लिए आदमी को मेहनत करना पड़ता है। अरे लेबर जी, मजदूर अगर बनना चाहे मिस्त्री, तो उसे राजमिस्त्री के साथ साथ रहना होगा, उसके अदा को देखना होगा, उसके अंदाज को देखना होगा, और सबको उसे फॉलो करना होगा, उसकी करनी को भी देखना होगा, उसकी वसूली को भी देखना होगा, तब इसे कुछ वसूली मिल सकती है। तो उसी तरह से अगर इंसान चाहता है कि उसकी नस्लें अच्छी हों, तो बाप को भी अच्छे किरदार वाला होना होगा, माँ को भी अच्छा किरदार वाला बनना पड़ेगा। बेशक बाप से ज्यादा बच्चे माँ के पास रहते हैं, दुनिया में आने से पहले भी, दुनिया में आने के बाद, दुनिया में आने से पहले भी बच्चे माँ के पास ज्यादा रहते हैं, और आने के बाद भी माँ के साथ ज्यादा रहते हैं जी। अरे 9 महीना कहाँ रहता है? वही माँ के शिकम में रहता है। अलग अलग मरहले, अलग अलग मंजिलें, अलग अलग मकामात आते जाते हैं। अब जैसा माहौल उसकी माँ का होगा, वैसे ही परवरिश पाने वाला बच्चा होगा। अगर माँ
अगर माँ गीबत सुनकर अपने बच्चे को अपने रहम में परवरिश करेगी तो बेटा आने के बाद कलमा पढ़ने वाला और दुरूद पढ़ने वाला नहीं, वो भी गीबत करने वाला होगा, वो भी चुगलखोरी करने वाला होगा, वो भी दूसरों की बुराई चाहने वाला होगा। अगर माएं चाहती हैं तो उनका बेटा उनका भी वफादार हो और खुदा का भी वफादार हो, तो उनके लिए जरूरी है कि जब बच्चा रहम में परवरिश पा रहा हो तो उसी वक्त से अपनी अदा को, अपने अंदाज को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को, अपनी ख्याल को दोस्त रखे, ताकि परवरिश पाने वाला बच्चा अच्छा हो। जी, परवरिश पाने वाला बच्चा अच्छा हो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुछ लेने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है, और साथ ही साथ एक जुमला मैंने ये भी कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे की सोबत में रह के भी इंसान का दिल अगर गंदा होता है तो वो कुछ नहीं ले सकता, वो कुछ नहीं ले सकता। भाई, आपके इमाम साहब ने मसला बताया, चार आदमी थे, दो आदमी बड़ी तवज्जो से सुने, दो ने कहा दूर इमाम साहब तो ऐसे बोलते हैं, तीन का काम बोलना है, वो ऐसे को वैसे नहीं। दो ने सीख लिया, उन्हें लेने की तड़प थी, उन्हें हासिल करने की तलब थी, उन्होंने ले लिया। तो सोहबत के साथ साथ सोहबत का असर होता है, लेकिन असर लेने वाला भी पहले चाहिए। और नहीं तो हजरत ईसा के साथ रहकर भी आदमी सच्चा ना बन सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक आदमी सफर कर रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर कर रहा था, तीन रोटियां थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, दोनों बैठ करके खाए, एक एक रोटी खाए, एक बज गई, आप चले गए, सामने नदी थी पानी पीने के लिए, पानी पी के आके देखा तो ये तीसरी भी सांप, ये तीसरी सांप, वहां कोई आया नहीं और वो पहरेदार बैठा हुआ है पहले से। पूछा तीसरी कौन खाया, कहा पता नहीं कौन खाया, पता नहीं। अरे जब वो अकेला है तो पता नहीं, वो नहीं खाया वो हो सकता है, लेकिन पता नहीं कौन खाया ये तो नहीं हो सकता। अगर जानवर ने खा लिया, चिड़िया मैना ने खा लिया, किसी दरिंदे ने खा लिया, इतना तो पता होगा किसी ने खाया। कहा पता नहीं कौन खाया, कहा चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक नदी आई, अब नदी के पार जाना है, कश्ती वश्ती नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा हाथ पकड़ो, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ पकड़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, इस पार से उस पार हो गए। अब पार होने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें मेरे इस मोजज़े की कसम, बताओ वो तीसरी रोटी कौन खाया है। कहा पता नहीं कौन खाया, अभी भी कहता पता नहीं कौन खाया। उसके बाद फिर आगे बढ़े, जंगल में की तरफ जा रहे हैं, भूख लगी, अब खाने की कोई चीज नहीं है, सामने चंद हिरन है, उसके बच्चे हैं। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने एक हिरन के बच्चे को बुलाया, वो बच्चा आ गया। नबी की शान और हुआ करती है, नबी की शान और हुआ करती है। अरे वली की शान अलग होती है तो नबी का तो पूछना ही क्या, नबी का पूछना ही क्या। अगर इनकी शान अलग ना होती तो आप लोग यहाँ ना आते, आप लोगों का यहाँ आना इस दौर में भी इस बात को बता रहा है कि अल्लाह वालों की शान होते इंसानों ही में से है, लेकिन इनकी शान अलग होती है, इनका अंदाज अलग होता है, इनकी गुफ्तार अलग होती है, इनका किरदार अलग होता है। और नबी तो इंसानों में फर्स्ट पर्सन होता है, सबसे पहले नंबर पर नबी होता है। नबी किस जमाने का होता है, उस जमाने के सारे लोगों पर लाजिम होता है कि उनकी तकलीद करें, उन पर ईमान लाए, उनकी बात को बिला रोको टोक मान। कहा तुम्हें मेरी नबूवत का वास्ता, बता दो तीसरी रोटी कौन खाया। कहा नहीं पता नहीं। उसके बाद फिर आगे हिरन को बुलाया, हिरन का बच्चा आ गया। हालांकि आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे, पढ़े होंगे, पढ़ाए होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे कि हिरन ऐसा जानवर है जो बड़ा तेजी के साथ चौकड़ी मारता है, बड़ा तेजी से भागता है। दूसरे जानवर को देखकर भागता, इंसान को समझता वो तो मेरा अजली शिकारी है।
ये साहब सबका शिकार करते हैं, ये सबका। और अब तो अब ये साहब तो इनका भी शिकार कर रहे हैं, उनका भी शिकार कर रहे हैं। ऐसा ऐसा शिकारी है कि खुद शिकारी का भी शिकार कर रहा है। लेकिन शिकारी को होश के ना खुल लेना चाहिए। यहाँ तुम जितना शिकारी बन जाओ, रब की बारगाह में तुम्हें हाजिर होना होगा। एक दिन वो आएगा कि दुनिया में तुम्हारे हाथ में कपकपी हो जाएगी, तुम्हारे पैरों में तेढ़ापन हो जाएगा। तुम अपनी ताकत और कुव्वत का नाजायज फायदा ना उठाओ। अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है, वो इंतकाम लेने वाला है, वो हर जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाला है, हर जालिम को उसके जुल्म का बदला जरूर मिला। बुलाया, जबा किया, पकाया, खाए, और फिर उसके बाद कुरान पाक में है हजरत ईसा अलैहि सलाम का ये मौजिजा था, इन्नी उब्रहुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहि सलाम मादरजात अंधे को अच्छा कर रहे, हाथ फेरा, ना कोई दवा है ना ड्रॉप, कोढ़ी को अच्छा कर देते। वो हील मौता बिइज़्निल्लाह, और फरमाते कि मैं मुर्दों को भी अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता। हजरत मूसा, हजरत ईसा मुर्दों को भी जिंदा कर दिया करते थे। तो जब खा पी लिए, उस हड्डी को सबको जमा किया, हाथ लगाया, हिरनी का बच्चा फिर जिंदा हुआ, कहा जाओ अपने ग्रुप में चले जाओ। फिर उससे कहा तुम्हें मेरे इस मौजजा का वास्ता, बताओ वो तीसरी रोटी कौन खाएगा। लेकिन उसका दिल इतना गंदा था साहब, अभी साफ होगा, लेकिन वो भी गंदा साफ था जी। कहा पता नहीं किसने खाया, पता नहीं किसने खाया। उसके बाद आगे बढ़े और जब कुछ रास्ता तय किया तो देखा तीन सोने की ईंट। सोना ऐसा लफ्ज है कि सोने वाला भी नींद सो जाए, चाहे कितनों ही कड़ी नहीं, और औरतें तो और ज्यादा उड़ जाए जी। ठीक है, सोना सोना है जी, लेकिन सोने के लिए बिल्कुल सो नहीं जाना है, सोने के लिए सो नहीं जाना है। सोने को बस उस हद तक रखें कि एक चीज है इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर यहाँ सो जाएंगे तो कब्र में अजाब के साथ जागना पड़ेगा, जहन्नम में अजाब के साथ जागना पड़ेगा। सोने की ईंट तीन देखी, कहा तीन ईंट है, कहा एक जिसने एक रोटी खाई उसकी, और दूसरी ईंट जिसने दूसरी रोटी खाई उसकी, और तीसरी ईंट जिसने तीसरी खाई जट से बोला तीसरी भी मैंने खाई। इंसान वही देखा जागा जी, वो सच बोला, लेकिन अल्लाह रहम फरमाए वो सच बोल भी रहा है तो दुनिया के लिए बोल रहा है, सच बोल भी रहा है तो सोने के लिए बोल रहा है, सच बोल भी रहा है तो बस पैसे के लिए बोल रहा है। तो आज तो हमारा अभी वही हाल है, हमारा भी वही हाल है। मेरे कहने का मतलब ये है, हम जहां कहीं जाएं अकीदत के साथ जाएं, इहतराम के साथ जाएं, ही मक्खी सिफत बन के ना जाएं, मक्खी सिफत बन के ना जाए। ये मक्खी सिफत सोच रहे होंगे फारूक साहब क्या बोल रहे हैं, मक्खी सिफत तो आज तक हमने सुना नहीं था ये। अरे आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बस मैं उसका जलवा दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि सुना है कि नहीं सुना है। मक्खी होती है ना, मक्खी इंसान के पूरे जिस्म पे नहीं बैठती है हाफिज गुलजार साहब, जहाँ पर जख्म वहीं बैठे, जहाँ पर जख्म वहीं बैठे। आज का इंसान ऐसा है, हमारी अच्छाई को नहीं देखेगा, हमारी भलाई को नहीं देखेगा, हमारी खिदमत को नहीं देखेगा, हमारी मेहनत को नहीं देखेगा, हमारी मशक्कत को नहीं देखेगा। एक ऐब नजर आया है, जान रहे हो फारूक साहब क्या करते हैं, जान रहे हो उन्होंने क्या किया है। मेरे प्यारे, ये मक्खी सिफत बनना छोड़ दो, खुजमा सफा दामा का दे, जो अच्छी हो उसे ले लो, जो बुरी हो उसे छोड़ दो, जो अच्छी हो उसे ले लो, जो बुरी हो उसे छोड़ दो। तो हम जहां कहीं भी किसी मजलिस में बैठे तो ये सोच कर बैठे कि अगर अच्छी बात हमें मिलेगी तो हम अमल करेंगे, चाहे इमाम साहब बोले या उनके शागिर्द बोले या कोई और बोले। मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा ने फरमाया,
फुजिल काल मिन फमिल अतफाल, फुजिल काल मिन फमिल अतफाल, तुम अच्छी बात बच्चों के मुंह से भी ले लिया करो, बच्चों के मुंह से भी ले लिया करो। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर दीवार पर भी नसीहत लिखी हुई हो तो उसे तुम अपनी जिंदगी के लिए रहबर बना लो, रहनुमा बना लो कि नसीहत चाहे जहां भी हो वो अपनाने के लिए है, उसे अपने दिल में बसाने के लिए है। तो मेरे प्यारे, अगर हम किसी की सोबत अच्छों की अख्तियार करें तो पहले अपने दिल को भी साफ करना होगा, दिल को भी सुथरा करना होगा। और कुरान में खुदा ने भी फरमाया है, वल्लाहु मा युगय्यिरु कौमन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, खुदा उस कौम को नहीं बदलता है जो कौम खुद को नहीं बदलना चाहती, जो कौम खुद को नहीं बदलना चाहती। और जो अपने आप को बदलना चाहता है ना, जो अल्लाह की राह में चलना चाहता है, अल्लाह फरमाता है अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक बारिश बढ़ता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ जाता हूँ, मेरा बंदा चल कर मेरी तरफ आता है तो मेरी रहमत दौड़ कर उसे अपने बाहों में लगा लेती है, अपने गले से लगा लेती है। हमारा रब तो हर वक्त हमें देना ही चाहता है। अरे उसने रहमत किसके लिए बनाई है, बरकत किसके लिए बनाई है, इज्जत किसके लिए बनाई है, वकार किसके लिए बनाई है। रब ने सारी चीजें पैदा की लेकिन उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो समद है। समद का मतलब बेनियाज, बेनियाज का मतलब बेपरवाह, जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं, इज्जत की उसे जरूरत नहीं, शोहरत की उसे जरूरत नहीं, दौलत की उसे जरूरत नहीं, हम्द व सना की उसे जरूरत नहीं, तारीफ व तौसीफ की उसे जरूरत नहीं। वो तो गनी है, वो बेनियाज है। सारी दुनिया अगर उसकी इबादत करना छोड़ दे फिर भी माबूद वही होगा, फिर भी माबूद वही होगा, फिर भी खुदा वही होगा, क्योंकि वो माबूद परहक है। वो माबूद ऐसा माबूद है जिसे किसी की परवाह नहीं है। हाँ इतना जरूर है, जब बंदा खुदा की तारीफ करता है तो ये हामिद हो जाता है, खुदा महमूद हो जाता है। जब बंदा खुदा की सना करता है तो ये सना करने वाला हो जाता है, वो खुदा वो होता है जिसकी बंदा सना कर रहा है। जब बंदा गुनहगार होके खुदा को याद करता है तो खुदा परवरदिगार होके उसे याद करता है। अज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। ये किसने कहा है? हमारे और आपके रब ने कहा है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। जी जब रब याद करता है ना तो पूरी दुनिया से उसे याद करवाता है। आज हम सब हजरत बाउल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने खुदा को याद किया है। हम और आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के सुल्तान, उस शहर के शहनशाह का नाम सुल्तानुल आरिफीन, कुरानुल आशिकीन, खुदवतुल मुहम्मकीन, मखदूम आलम पना, सैयदना शहबाज मोहम्मद कद्दस अल्लाह सिर्रहू।